नमस्कार मित्रों, ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा 2022 का शेड्यूल पहले जो जारी किया था उसके शेड्यूल में कुछ परिवर्तन किया गया है, तो इस संबंध में आपको इस वीडियो में हम जानकारी प्रोवाइड करवाएंगे। साथ ही साथ प्रयोगशाला सहायक जो भर्ती है अभी 28, 29 और 30 जून को आयोजित होगी, तो इस भर्ती परीक्षा का जो ए सेक्शन है जिसमें राजस्थान सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, तो उसके रिगार्डिंग उसकी बेहतरीन तैयारी के लिए आप किस प्रकार से प्रिपरेशन करेंगे, और इसकी बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस के लिए हमने टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर रखी है, तो उस टेस्ट सीरीज का आप किस प्रकार से हिस्सा बनकर उससे लाभान्वित हो पाएंगे, उस संबंध में भी मैं आपको कंप्लीट जानकारी आज के इस वीडियो में प्रोवाइड करवाऊंगा। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि ये जो प्रयोगशाला सहायक की भर्ती 28 और 29 जून को आयोजित होने वाली थी, अब इसमें थोड़ा सा आंशिक संशोधन है वो किया गया है। प्रयोगशाला सहायक आपको पता होगा कि विज्ञान, गृह विज्ञान और भूगोल इन तीनों सब्जेक्ट के लिए ये भर्ती आयोजित है वो की जा रही है। तीनों के लिए ही अलग अलग सिलेबस हैं, जिसका सेक्शन ए है वो लगभग लगभग सभी में कॉमन है। तो यहाँ पर देखिए कि विज्ञान के लिए 28 जून का फर्स्ट पेपर होगा और 28 जून के अपराह्न को यानी कि दोपहर बाद ये सेकंड पेपर होगा। इसके बाद में दो शिफ्टों में ये आयोजित होगी, प्रथम चरण की 28 जून और सेकंड शिफ्ट, सेकंड जो फेज है, सेकंड स्टेप है उसकी आपकी सेकंड शिफ्ट की होगी दूसरे 29 जून को। इसके बाद में आपकी ज्योग्राफी की होगी 30 जून गुरुवार को, जो कि 9:30 बजे से 12 बजे तक रहेगी, और गृह विज्ञान के लिए आपकी 30 जून को गुरुवार को आयोजित होगी 3 बजे से 6 बजे के मध्य। तो ये इस प्रयोगशाला सहायक भर्ती का नया संशोधित शेड्यूल है। ठीक है, अब करीब आज से देखना जाए तो इसके लिए आपके पास में 20 दिनों का समय है, और 20 दिनों के समय में आप किस प्रकार से अपने आप को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करेंगे, तो इसमें देखिए दो पार्ट है। जैसे कि अगर आप ज्योग्राफी से तैयारी कर रहे हैं तो ज्योग्राफी में आपका एक सेक्शन होगा राजस्थान जनरल स्टडीज का, और सेक्शन सेकंड होगा बी होगा आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल। ठीक है, इसी के अलावा अगर गृह विज्ञान का देखा जाए तो भी ये सेम ही है। विज्ञान में आपका थोड़ा सा अलग है, ए सेक्शन में साइकोलॉजी भी है, इसके अलावा करंट अफेयर्स, राजस्थान की जनरल स्टडीज, ये सारा का सारा इसमें दिया हुआ है। तो राजस्थान जनरल स्टडीज के अलावा अगर आपको जैसे साइंस है, ज्योग्राफी है, ये जो चीजें हैं इनको आप ऑप्शनल के लिए किसी अच्छी स्टैंडर्ड बुक के माध्यम से आप प्रिपरेशन तो कर ही रहे होंगे। इसके अलावा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो प्रीवियस पेपर्स हैं, जिसमें राजस्थान जीके के अलावा आपके विज्ञान के, जनरल साइंस के प्रश्न पूछे गए हैं, इसके अलावा भूगोल के जो प्रश्न पूछे गए हैं, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो वो आप एक बार थोड़ा सा देख करके अवश्य जाए, क्योंकि वहां से भी काफी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये चीजें ओम डिजिटल स्टडी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी, राजस्थान के अलावा इंडियन ज्योग्राफी, जनरल साइंस वगैरह, तो ये चीजें आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान सामान्य ज्ञान की बात करें तो राजस्थान सामान्य ज्ञान के लिए हमने टॉपिक वाइज प्रैक्टिस टेस्ट स्टार्ट कर रखे हैं प्रयोगशाला सहायक के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो देखिए, आपका चाहे आप गृह विज्ञान से हैं या फिर गृह विज्ञान से हैं या भूगोल से हैं, तो आपका राजस्थान सामान्य ज्ञान वाला जो पोर्शन है आपके सिलेबस में वो तीनों में सेम ही है। राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, परंपरा एवं विरासत के अंतर्गत ये आपके टॉपिक उसमें दे रखे हैं, और राजस्थान ज्योग्राफी में ये टॉपिक दे रखे हैं। तो ये सारे के सारे टॉपिकों को बहुत ही अच्छी तरीके से विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में टेस्ट फॉर्मेट में आपको यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड किया गया है। यह टेस्ट सीरीज हमने 25 मई से स्टार्ट की थी। पहला टेस्ट राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत एवं प्रागैतिहासिक सभ्यता
और राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार प्रमुख भौतिक प्रदेशों पर आधारित था, यानी कि 50 प्रश्न तो राजस्थान इतिहास कला संस्कृति और 50 प्रश्न ही राजस्थान के भूगोल से। इस प्रकार से 100 क्वेश्चंस का एक जो टेस्ट है वो आपको प्रोवाइड करवाया गया है। सेकंड जो टेस्ट है वो 27 मई को आयोजित हुआ था। राजस्थान के प्रमुख राजवंश और राजस्थान का अपवाद तंत्र, प्रमुख जिले एवं जल संरक्षण, ये पूरे के पूरे टेस्ट है वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और बीच बीच में हमने फुल टेस्ट भी डाल रखे हैं। फुल टेस्ट का मतलब है आपका पूरा सिलेबस, राजस्थान इतिहास कला संस्कृति, राजस्थान भूगोल के जितने भी टॉपिक है उन सारे के सारे टॉपिकों को कवर करने वाला 50 प्रश्नों का पूरा टेस्ट है। तो ये कुछ टेस्ट जो अपलोड हो चुके हैं, तो उनको भी अगर आप अभी से इस टेस्ट सीरीज का हिस्सा बनते हैं, इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हैं, तो आप पुराने टेस्टों को भी दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लाइव टेस्ट और पुराने टेस्टों में अंतर यह रहता है कि अगर आप लाइव टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं तो आपकी ऑल ओवर रैंकिंग भी शो होती है कि कितने लोगों ने टेस्ट में हिस्सा लिया है और आपकी रैंकिंग क्या है। और बाद में आप इस टेस्ट की प्रैक्टिस करते हैं लाइव टाइम के बाद में, तो केवल और केवल आप ऑल ओवर रैंकिंग नहीं देख पाएंगे, आपकी रैंकिंग कितनी क्या है वो आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका टॉपिक वाइज टेस्ट का पूरा शेड्यूल। आज की डेट देखा जाए तो आज 8 जून है, और कल आपका जो टेस्ट होगा वो राजस्थान के प्रमुख मेले, त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र, आभूषण, राजस्थानी संस्कृति, परंपरा एवं विरासत पर रहेगा। इसके बाद में नेक्स्ट टेस्ट राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, राजस्थान की मृदा और मृदाओं का वैज्ञानिक वर्गीकरण, इस पर आधारित होगा। तो इस प्रकार से अगर 10 टेस्ट हो चुके हैं और सॉरी 9 टेस्ट हो चुके हैं और बाकी जो 10-11 टेस्ट है वो शेष रहे हैं, तो उनकी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो टेस्ट अपलोड हो चुके हैं उनकी बाद में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 20 दिनों का आपके पास में समय है और 20 दिनों में ये 20 टेस्ट है, डेली का एक टेस्ट आप अटेम्प्ट करेंगे तो भी आपके बहुत ही अच्छी तरीके से आपका रिविजन हो जाएगा। आपने कहीं से भी पढ़ाई की है, जब तक आप ऑब्जेक्टिव टाइप से प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक कुछ न कुछ कंफ्यूजन है वो बना ही रहता है। ज्यादा से ज्यादा हम ऑब्जेक्टिव टाइप से प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। जहां पर हमें किसी दो ऑप्शन में असमंजस की स्थिति रहती है वो डाउट भी हम बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर कर सकते हैं अगर हम परीक्षा से पहले ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के माध्यम से प्रैक्टिस करेंगे। और इसमें आपका जो प्रत्येक पूरा एक टॉपिक है, उस टॉपिक के इर्द गिर्द जितने भी प्रश्न प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो सारे के सारे प्रश्न आपको इसमें मिल जाएंगे। इसके अलावा भी संभावित जो प्रश्न है ऑथेंटिक बुकों के माध्यम से भी कलेक्ट करके इसमें ऐड किए गए हैं, ताकि आपका पूरा का पूरा टॉपिक है वो बहुत ही अच्छी तरीके से कवर हो जाए। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी तैयारी के लिए आप इस टेस्ट सीरीज का हिस्सा बन सकते हैं। यह टेस्ट सीरीज ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। आप सर्च करेंगे ओम डिजिटल स्टडी के नाम से प्ले स्टोर पर, तो आपको एप्लीकेशन है वो मिल जाएगा। और उसके बाद में लैब असिस्टेंट के नाम से आपको ये टेस्ट सीरीज ओम डिजिटल स्टडी लर्निंग एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। और अभी इस टेस्ट सीरीज में 20% का निर्धारित शुल्क में छूट भी उपलब्ध है, तो उसका भी आप बेनिफिट है वो ले सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके और भी कुछ डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप निसंकोच इस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।